नमस्ते ब्रह्मा। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पे ताज महोत्सव ताज नगरी के तरफ है और यही पे लगी ये साल ये वाला जो महोत्सव है साल में एक बार लगता है और ये 30 दिन के करीब तक लगता है और इस महोत्सव में लोग अपनी अपनी दुकान लेकर आते हैं और अपनी अपनी दुकान को अलग अलग चीज लाते हैं। तो वैसे ही आज मैं यहाँ पे एक दुकान हूँ संजना आदि आंटी जी के साथ। तो आज आंटी जी मुझे वहाँ के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और उन दुकान के कुछ प्रोडक्ट बताएंगे जो यहाँ पे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं और जब तक ये मौसम चल रहा है जब तक आप इधर आ सकते आके ले सकते हैं। तो आंटी जी मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो लोग ज़्यादा लेना पसंद करते हैं? सामान जो है वो कॉटन बेस है और मैं छोटे बच्चों के फ्रॉक से लेके सब नाइटीज़ वगैरह सब चीज़ बनाती हूँ। लोअर ड्रेसेस एवरीथिंग ये सब हैंडमेड है। ये और ये जो भी है ये गारंटी है इनका, ना फेड जाता है ना ये फैब्रिक फेड होते हैं ना श्रिंक होते हैं और ये सब कम्फर्टेबल फैब्रिक्स हैं इन समर्स के लिए। और मैं पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लगते हैं उनको लगाती हूँ तो गवर्नमेंट हमें खुद ही कॉल करता है और हम जाते हैं। लोग बहुत अच्छा लगता है और चीज़ अच्छी होती है लोग खुद ब खुद आके बाय करते हैं। आगरा ताज महोत्सव एक बहुत अच्छा ये प्रोग्राम लगता है और लोग इससे आगे सब तरह तरह की चीज़ों को खरीदते हैं पसंद करते हैं लेके जाते हैं। ये मेरे छोटे से ये मैं प्लाजो सूट बनाती हूँ। प्लाजो ये खाली प्लाजो लोग आजकल लाइक कर रहे हैं समझ में और ये देखिए लियॉन के अंदर कॉटन के अंदर है। इनमें डिफरेंट डिज़ाइंस बनाए हैं मैंने और ये प्लेन्स के अंदर भी बनाया देखिए ये भी डिज़ाइन अच्छे हैं और ये मैंने प्लेन्स के अंदर ये प्रिंट्स में भी ये बनाया है। इसके लिए नाइटीज बनाती हूँ ये देखिए बहुत अच्छी नाइटीज है डिज़ाइन अलग है एक बार आप देखिए कि ये जो डिज़ाइन है ये थोड़ा सा मुगल एम्पायर को फॉलो करता है आंटी जी जी क्योंकि आप देखिए हाँ कल्चर इंडियन इंडियन मुगल एम्पायर का कल्चर और मतलब कि ये ऐसे अंदर से बना हुआ है और ये ऊपर से थोड़ा सा खुला खुला है एकदम मतलब कि आदमी को अच्छा लगता है। अच्छा आंटी जी आपकी खुद की एक फैक्ट्री है या फिर आप खुद ही बनाते हैं? हमें खुद ही बनाते हैं खुद का मैन्युफैक्चरिंग है ये देखिए एकदम एक फाइन डिज़ाइन है देखिए आप प्लाजो सूट है सही है इससे चाहिए बहुत ही स्मार्ट लगती है वेयर करने पर और हम तो एकदम अलग डिज़ाइन हाँ अलग डिफरेंट डिज़ाइन है और लोग उसको पसंद करते हैं। ये बनाने में बहुत टाइम लगता है ये सब हैंड की हाथ क्योंकि फिर बनाने में बहुत टाइम लगता है उल्टा इसका जब कोई आदमी उसको पहन के जाएगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा अच्छा लगता है जी जी मतलब कि अलग तरीके की फीलिंग आती है ये चला ये भी अच्छा ये भी बहुत स्मार्ट पीस है ये वाला बहुत सही है अच्छा है। अच्छा आ आ ओए क्या है क्या हाँ ये डर गया। अच्छा ये तो पूरा है ना ऊपर लेकर नीचे तक का मैं भी देखूंगा कि कैसा कुछ पता सही है ये गर्मियों के साथ
हिसाब से सही है, क्योंकि दोस्तों गर्मियों में अगर आप कहीं भी वाटर पार्क जगह पे जाते हैं तो फिर ऐसी चीज़ बहुत फेमस लगती है, क्योंकि चड्डी वगैरह नहीं रखा ये सही है, एकदम बढ़िया। और देखिए आंटी के पास सिर्फ ये ही नहीं, आंटी के पास अलग कलर वाले हुए अरे मुझे निकाले जा रहे दोस्तों बाकी आप देख सकते हैं कि कितने सारे ये अंडरवियर हैं और बहुत सारे अलग अलग तरीके के हैं। गली सही है, इसके ऊपर कोई रेड कलर की एकदम ऐसी कॉटन की होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगी मेरे हिसाब से। ये जब आप स्पाइडर मैन मूवी देखोगे जाएंगे तो फिर रेड वाइट चड्डी पहन के जब स्पाइडर मैन वाली फीलिंग आएगी। अच्छा आंटी जी आप मुझे कुछ चीज़ों के रेट बता दीजिए, और जो आपने अभी तक 200 के बाद ये बॉम्बे डाइंग कपड़ा लेकर के हमने उसको ये रेंट सोचा ना, ये है 650 का पूरा फुल सही है, फुली लॉन्ग कुर्ता है, कुर्ता है और बहुत समय तक चलेगा क्या, ये तो फटेगा ही नहीं क्योंकि देखिए ताज़ा ना अच्छा चलता है, लेकिन जब एकदम खींच वाली हालत आएगी तब इसमें थोड़ा सा आएगा, वो भी मुझे नहीं लगता मजबूत है, ये बहुत चलता है, मजबूत है, अरे सही है। अच्छा आंटी जी आपको दुकान में लगाने पर कितना कितने का आपको दुकान लेंगे? हाँ तो 30,000 अरे तो फिर आपने अभी तक कितने कमाए? अभी तक तो इतना रिस्पांस नहीं मिला वैसे, अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, इस बार इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं पसंद कर रहे हैं, ऑर्डर्स दे रहे हैं यहाँ पे, टेम्पो और कुछ सामान भी खरीदते हैं इसी बार। अच्छा आंटी जी आप ये जो दुकानें होती है सिर्फ आप आगरा में ही लगाती है साल में एक बार या फिर आप और जगह? एक बार आगरा में ही ताज महोत्सव और बाकी मैं इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम्स होते हैं कहीं जी, तो मतलब मेरा गवर्नमेंट कॉल करती हूँ। आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन से शहर में होता है? NCR, दिल्ली, सारे आगरा में भी अच्छा प्रॉफिट होता है नो डाउट। आप बोल दिए कोई टेंशन क्या नहीं है, जो देख रहा है उसको देख ले दो, आप बोलिए। मेरे को बॉम्बे अच्छा लगता है, बॉम्बे क्योंकि बॉम्बे की आबादी भी 1,50,00,000 है, एंड लाइक बॉम्बे एंड वहां पे मेरे एंड पांडिचेरी कुरुक्षेत्र बहुत अच्छी जगह है, हाँ। मैं यहाँ जाती हूँ, आई लाइक द कुरुक्षेत्र वेरी मच। नहीं वहाँ पे साउथ इंडिया वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आगरा में तो लकी लोग एकदम कभी गर्मी कभी सर्दी, लेकिन आगरा वालों का कोई टेम्परेचर नहीं है, जो चाहे वो पहन लेते हैं, पर साउथ इंडिया में लोग अपने टेम्परेचर के हिसाब से होते हैं। बॉम्बे का मॉडरेट क्लाइमेट है, वहाँ पे ना गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो वहाँ पे ये सारा कॉटन बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा बॉम्बे कॉटन बनाती है, इसीलिए मैं हिल्स में जाती हूँ क्योंकि वहाँ बहुत ठंड होता है, वहाँ पे मैं नहीं जाती हूँ। जी 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 आंटी जी मैं इसी दुकान पर आया, और आपको कैसा लगा मैं आपसे सब कुछ आया? बहुत अच्छा लगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा बच्चा मेरे से आके इस तरीके से इतनी अच्छी बात कर रहे हैं और मेरे प्रोडक्ट को इतना लाइक कर रहे हैं, और उन्होंने भी मीन्स पसंद किया और मेरे पास आया, आई एम वेरी वेरी लकी। दोस्तों आप ताज महोत्सव में आंटी जी बताइए और मैं ये दिखा रहा हूँ आपको इसमें बड़ा तो दोस्तों आपको अगर ये ताज महोत्सव की मेरी एक स्टॉल की वीडियो अच्छी लगे तो बहुत से बनाऊंगा, जैसे मैं
मिनट बाजार में बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ, वैसे मैं यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस बना के आपको दिखाऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी। तो दोस्तों आप ये लाइक कर दीजिए और दोस्तों इधर आइए। सब लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि सब लोगों को ताज महोत्सव की इस स्टॉल के बारे में पता चल जाए कि पास में ही है। आंटी जी यहाँ पे स्टॉल्स के कोई नंबर होते हैं? हाँ, ये PL77 है। प्राइम लोकेशन 77। ये दोस्तों ताज महोत्सव के अंदर प्राइम लोकेशन 77 है, जिसके अंदर आंटी जी की शॉप है। और आप आंटी जी ऑनलाइन है? ऑनलाइन भी। किस किस पे? नहीं, मैं ऑनलाइन पेमेंट लेती हूँ, ऑनलाइन नहीं करती हूँ। मैं खाली प्रोडक्ट या गवर्नमेंट प्रोग्राम होती ही भेजती हूँ, ऑनलाइन कुछ नहीं भेजती। लोग आए खुद चल के आते हैं, खुद देखते हैं, खुद प्रोडक्ट लाइक करते हैं। ऑनलाइन पे तो दो या चार पीस ही खरीदेंगे, और यहाँ पे तो खुद देखते हैं, फिर तीन भी चाचा आठ पीस लेके जाते हैं। और तो दोस्तों प्राइम लोकेशन 77। और मेरा प्रोडक्ट भी अच्छा है, रेट भी रीजनेबल है, इसीलिए लोग खुद आकर के मेरा सामान लेते हैं। क्योंकि ये जो सामान है ये ज़्यादातर वो लोग पसंद करते हैं जो आगरा के हैं और लोकल हैं। जो बाहर की कंट्रीज से आते हैं उनको तो और अच्छा लगता होगा। वो तो बहुत अच्छा, अभी कल मेरे पास एक इटली से ईरान से लोग आए थे, उन्होंने ईरान वालों ने मेरा ये सारा लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस को किया, बहुत लाइक वेरी मच है, बहुत सारा। हाँ, ईरान से बुला था मनकामेश्वर मंदिर पे बुला था मैं उनसे। दोस्तों आपने वाला इंटरव्यू देखा होगा, मैं दिमाग की रही हो रखी थी, क्योंकि वहाँ से जब मैं आया ना वो देखी यार थकान हो रही थी, तो दिमाग चल ही नहीं रहा था, इसलिए मैं उनसे इंटरव्यू से अच्छे से हो नहीं पाया। तो दोस्तों प्राइम लोकेशन ताज नगर फेस टू ताज महोत्सव प्राइम लोकेशन 77 के इस स्टॉल पे आप आ सकते हैं। मुझे लाइक कर दीजिए, सब लोगों को शेयर कर देना कि सब लोग यहाँ पे आए। और इन बहुत सारे ये जो नाइटीज़ है और निकर्स है और बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, उनको आके देखें और नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।